spot is paid on f of x is equal to f of x is equal to mod of where are your notebooks? X minus 3 plus x minus 2, where f of x represents the height of the pot. F of x जो है वो height of, बेटा take out your notebook. F of x represents the height of the pot. First part, Gursimran, you will tell. When x is greater than 4, what will be the height in terms of x? When x is greater than 4, what will be the height in terms of x? Question सुने? नहीं. Question में आपको given है, एक potter है, जो वो mud vessels बना रहा है. जो शेप ऑफ द पॉट है दैट इज बेस्ड ऑन दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 वेयर एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पॉट. अब हमें बताना है व्हाट विल बी द हाइट इन टर्म्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4. हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 4. क्यों? x greater than 4 के लिए what will be the value of mod of x minus 3 अगर मैं इसको rewrite करूं तो? हाँ जी बेटे x is equal x greater than 4 ले रही हूं तो इसको मैं minus x minus 3 लूं के plus x minus 3 लूं ताकि मेरा जो mod का result है वो positive आए. बेटा x माइनस 3 का मॉड है मेरे पास, ठीक है? और इधर उसने कहा x ग्रेटर देन 4. x ग्रेटर देन 4 मतलब सारे नंबर्स इधर वाले मुझे उठाने हैं. अब इधर से मैं जो मर्जी नंबर ले लूं ये वैल्यू मेरी हमेशा पॉजिटिव आएगी. ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है मींस दिस इज टेकन एज x माइनस 3. नेगेटिव साइन नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया. नेक्स्ट क्या है? x माइनस 2. अगेन x ग्रेटर देन 4 के लिए ये 2 है आपका, तो ग्रेटर देन 4 के लिए ये सारे नंबर सारी वैल्यूज 2 से बड़ी हैं तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो क्या आ गया यहाँ पे? ये एज इट इज आ जाएगा प्लस x माइनस 2. अब हाइट इन टर्म्स ऑफ x क्या बनी? x प्लस x इज 2x माइनस 5. सिंपल सा क्वेश्चन है बट यू नीड प्रैक्टिस. गॉट इट? अब सेकेंड पार्ट बताइए. वट विल द स्लोप वेरी विद द वैल्यू ऑफ x? विल द स्लोप वेरी विद द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू के साथ स्लोप वेरी करेगी? यस और नो? हाँ जी इधर से रिस्पॉन्स दो. यस इज करेक्ट. वाई? x की वैल्यूज जैसे जैसे आप चेंज करोगे ये मॉड की वैल्यूज अकॉर्डिंगली आपको चेंज करनी पड़ेंगी. अकॉर्डिंगली आपका f ऑफ x चेंज होगा तो डेरिवेटिव जो है वो चेंज होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ x वेरी. नेक्स्ट व्हाट इज द what is dy by dx at x is equal to 3? Chalo Dhruv. What is the value of dy by dx at x is equal to 3? Options are 2, minus 2, function is not differentiable and 1. We have to check its differentiability at x is equal to 3. जब मैं बोल रही हूँ ना मेरे साथ नहीं बोलेगा कोई भी. x is equal to 3 पे function differentiable होगा या नहीं होगा? क्यों? कैसे? हाँ बेटा differentiability में क्या formula लगाते थे? f dash x is equal to left hand derivative, right hand derivative लेते होते थे. क्षितिज
मॉड वाले में जिस जो पॉइंट यहाँ गिवन होते हैं अगर उसको इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो आप, ये चीज आ रही है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट पे आप उसको अलग ले रहे हो, राइट पे आप उसको अलग ले रहे हो. गॉट इट? सो सी ऑप्शन इज योर आंसर. नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन टू एंड थ्री देन द फंक्शन इज. जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाए करेगी देन फंक्शन क्या होगा हमारा? x lies between 2 to 3. ऑप्शंस आर 2x minus 5, 5 minus 2x, 1 और 5. यहां पुट करके देखो 2 से 3 के बीच में क्या बनेगा f of x. टू से थ्री के बीच में मतलब थ्री से लेस है वैल्यूज और टू से बड़ी है. वैल्यू थ्री से लेस है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? माइनस में आएंगी वैल्यू सारी क्योंकि थ्री से छोटी है. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स माइनस थ्री. अब ये वैल्यूज टू से बड़ी है सारी एक्स की वैल्यूज, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको एज इट इज ले लेंगे. अब सिंप्लीफाई करो, माइनस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस टू, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, वन. यानी कि f of x की वैल्यू 1, दैट इज ऑप्शन सी इज योर आंसर. समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट नहीं समझ आया दोबारा देखो. हमें उसने कहा कि व्हाट व्हेन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 2 टू 3, तो x की फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है. अब जब वैल्यू ऑफ दिस x लाइज बिटवीन 2 टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग से लेके 2.99993 से लेस हो. टू से सभी वैल्यूज बड़ी हैं, थ्री से सभी वैल्यूज छोटी हैं. अब मुझे मॉड का साइन चेक करना है कि माइनस एक्स माइनस थ्री लेना है कि प्लस एक्स माइनस थ्री लेना है. मॉड को भूल जाओ, एक्स की वैल्यूज पुट करो. एक्स की वैल्यूज टू पॉइंट से लेके 2.3 से लेस है सारी वैल्यूज. थ्री से लेस वाली वैल्यूज को अगर मैं थ्री में से उन थ्री से लेस वाली वैल्यूज में से अगर मैं थ्री सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर नेगेटिव आएगा. मॉड के कारण उसको पॉजिटिव बनाना है तो बाहर मैंने माइनस ले लिया. अब ये जो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा था, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा दिस रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. एक्स माइनस टू ले रही हूँ, सभी वैल्यूज आपकी टू से बड़ी हैं, तो टू से बड़ी वाली वैल्यूज में से अगर टू सब्ट्रैक्ट करोगे दैट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. आ गया समझिए? तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया. अब ये ओवरऑल फंक्शन इन दोनों का जो भी साइंस है सिंप्लीफाई करके बनेगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, थ्री माइनस टू इज वन. तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, देन द फंक्शन इज वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ द पॉटर इज ट्राइंग टू मेक अ पॉट यूजिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिंट एक्स. अगर पॉटर इस फंक्शन को यूज करके पॉट बना रहा है, विल ही गेट अ पॉट और नॉट? ऑप्शंस आर यस बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस बिकॉज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नो बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, नो बिकॉज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन. जिंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता? जिंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट? ग्रेटेस्ट इंटीजर में मतलब आपने सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज लेनी होती हैं. अगर मुझे लेट अस सपोज कि x इज इक्वल टू 1.99 गिवन है, तो इसका जिंट क्या बनेगा, दैट विल बी 1. ठीक है, अगर 2.1 लेट अस सपोज मुझे गिवन है तो क्या बनेगा, 2. इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो कैसे बनता है, ऐसे बन रहा होता है इसका ग्राफ, तो इज इट कॉन्टिन्यूस? तो ऑप्शन क्या आएगी, नो बिकॉज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस. ऑप्शन डी इज योर आंसर. जिंट फंक्शन आपका कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, उसको जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक करो. हाँ जी, डी ऑप्शन इज योर आंसर, नो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस. मतलब कॉन्टिन्यूस जिसमें आप जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप पेन नहीं उठा रहे, जहां पे आपको पेन उठाना पड़ा वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, अगर ग्राफिकली इफ यू आर चेकिंग दैट. नेक्स्ट, हां जी,
कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पॉटर पॉट नहीं बना पाए, ठीक है। चले अगले पे, सपोज एफ इज अ, ये केस गिवन है, ध्रुव सुन लो फिर स्टेप समझ नहीं आता नहीं तो। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी। फंक्शन कॉन्टिन्यूटी की आपको कंडीशन पता है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ सी, ये कंडीशन आपको पता है, हमें यहाँ ये गिवन है। अब फंक्शन एफ इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आपने वैसे किया हुआ है, अब पहला भी किया हुआ था, द डिफरेंस इज कि आपको पता होना चाहिए केस स्टडी में ये क्वेश्चन कैसे पुट कर सकते हैं। अब एफ ऑफ एक्स, ये इलेवेंथ में भी आपको करवाया गया है, दिस इज ए एक्स प्लस फाइव इफ एक्स इज लेस देन फाइव, इफ एक्स इज इक्वल टू फाइव तो दिस इज टेन, एंड इफ एक्स इज ग्रेटर देन फाइव देन दिस इज बी एक्स प्लस फाइव। फाइंड फर्स्ट पार्ट है हमारा, साथ में हमें ये गिवन है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू फाइव, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड जो है लिमिट दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट। व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हमें ऐसे एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन अलग अलग गिवन होता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, लेस देन फाइव है यानी कि एक्स को फाइव पुट करोगे तो क्या आएगा, फाइव ए प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू टेन। इसी तरीके से यहाँ पे जब फाइव पुट करोगे तो फाइव बी प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन। अब वी आर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड्स, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड्स के इक्वल है यानी कि अगर दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो दिस विल बी क्या आएगा, अब मैंने यहाँ कुछ गलती की है, बताओ क्या मैंने मिस्टेक की है कैलकुलेशंस में, चेक द कैलकुलेशंस एंड टेल मी द आंसर। दिस इज बी एक्स प्लस ट्वेंटी है एक तो यहाँ पे, अब यहाँ चेक करो जब मैं एक्स को फाइव फुट कर रही हूँ दिस इज फाइव बी प्लस ट्वेंटी, अब बताओ क्या रिलेशन बना ए और बी के बीच में, सिंप्लीफाई करो। हाँ ए माइनस बी इज इक्वल टू थ्री, सो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर, ठीक है ये ऑप्शंस में गिवन है आपको, सो दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारा इसमें, द वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज क्या, ए की वैल्यू ऑप्शंस आर वन टू थ्री फाइव वन, कैसे, यहां से ये इक्वेशन है आपके पास फाइव ए प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन, तो 5a is equal to 5, a is equal to 1. Similarly, third part में you have been asked the value of b. वो यहां से निकल आएगी, क्या आएगी? Minus 2, ठीक है? ये यहां पे 10 है, plus 20 उधर जाके minus 20 हो जाएगा, तो 5a equal to minus 10 is equal, that is 5b is equal to minus 10 means b is minus 2. Fourth part है इसका आपका, the value of function f of 3 is, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री मतलब एक्स को कितना लेके चलना है, थ्री लेके चलना है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए क्या लेके चलोगे इनमें से, ए एक्स प्लस फाइव। अब ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, तो फंक्शन क्या रिड्यूस हो गया हमारा, अब आंसर बताइए, एफ ऑफ थ्री एट। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टेन, एफ ऑफ टेन के लिए अगेन क्या ले लोगे, बी एक्स वाला ले लोगे, फाइंड आउट करो, बी की वैल्यू आपके पास माइनस टू है तो ये क्या बन गया, माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी, अब आंसर बताओ क्या आएगा, जीरो। गॉट इट, क्लियर है ये वाला पार्ट, चले अगले पे। अब अगेन वी आर हैविंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, वी आर गिवन let f of x be a real valued function
देन इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज गिवन बाय लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. ये आपने किया हुआ है ठीक है. Also a function f of x is said to be differentiable if its left hand derivative is equal to right hand derivative. अब function हमें given है f of x is equal to mod of x minus 3. Mod of x minus 3 if x is greater than equal to 1. And if x is less than 1, then the function is given by x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4. अब हमें बताना है राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1. राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज गिवन बाय एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0. At right hand derivative at x is equal to 1. X is equal to 1 के लिए function की value कौन सी लेके चलोगे value? ये वाली लेके चलोगे क्या आएगा अब इसमें? Options हैं हमारे पास 3, minus 1, 0 and minus 2. तुके ना मार ध्रो कैसे करना है ये बताओ मुझे. x is equal to 1 है जब हमारे पास तो क्या लेके चलेंगे? हाँ जी हाँ क्या बन जाएगा वो? मुझे क्या निकालना है f of 1 plus h minus f of 1 upon h ये निकाल रहे हैं. पहले इसको सिंप्लीफाई करो. x is equal to 1 slightly to the right hand side ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा. तो हाउ इट विल बी रिटन? माइनस एक्स माइनस 3 यानी कि 3 माइनस एक्स. गॉट दिस? अब इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव. अब बताओ क्या आएगा? अब जहां जहां x है 1 प्लस एच से रिप्लेस करोगे और सेकेंड वाले में 1 से रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 3 एज इट इज माइनस एक्स की जगह. पूछो बेटे क्या डाउट है? हां जी कहां से? देखो हमें उसने क्या कहा था डेरिवेटिव के लिए जो उसने हमें दिया है दैट इज गिवन कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो हमने ऐसे लेना है एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो हमने कैसे निकालना है उसको? बातें नहीं. एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच. वन की जगह वैसे यहाँ पे ए है जो भी आपको एक्स टेंड्स टू गिवन होगा ठीक है. अब हम यहाँ पे क्योंकि वन के साथ कर रहे थे तो मैंने वन लिख दिया है. यहाँ पे जो एट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू होती है वो यहाँ आती है. अगर एट एक्स इज इक्वल टू हम ए ले रहे हैं तो दिस विल बी ए माइनस एच दिस विल बी ए प्लस एच. ये फॉर्मूलाज पता लग गए. ये हमें केस स्टडी में गिवन है. अब उसने कहा हमें ये फंक्शन गिवन है हमें इस फंक्शन के लिए हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है. इस फंक्शन के लिए हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 यानी कि ए को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से. राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आर एच डी वाला जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है हमें वो लेके चलें. आर एच डी उन्होंने दिया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ ए की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं. तो फॉर्मूला बन गया हमारा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच. यहां तक क्लियर? अब हमें फंक्शन पता होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे ये लेना है या ये लेना है. एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन ये लेना है मुझे. लेकिन ये किस में था? मॉड में था. अब इस मॉड को देखना है मुझे कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है. इसको इक्वल टू 0 पुट करो एक्स इज इक्वल टू 3 है और मुझे चेक किससे किस पे करना है? x इज इक्वल टू 1 पे. तो 3 और 1 1 इधर छोटा है इससे यानी कि इस ये वाली जब मैं वैल्यूज इसमें स्लाइटली ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ कहीं आ जाएगा.
यानी कि जब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी माय आंसर विल बी नेगेटिव। मॉड्यूलस के कारण मुझे आंसर क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो फंक्शन मेरा क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस थ्री, ये आंसर मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। स्लाइटली राइट पुट करके उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो फंक्शन मेरा क्या बन गया, थ्री माइनस एक्स। अब मुझे ये निकालना है, यानी कि जहां एक्स है एफ ऑफ वन प्लस एच के लिए एक्स को वन प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ वन के लिए उसको वन से रिप्लेस करेंगे। सो क्या बन जाएगा यहाँ पे, थ्री माइनस वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन क्या बन जाएगा, थ्री माइनस वन अपॉन में एच। सिंप्लीफाई करो इसको, बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये कैंसिल आउट होके माइनस एच अपॉन एच इज माइनस वन, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन माइनस वन विल बी योर आंसर। सेकेंड ऑप्शन थी आपकी, बी ऑप्शन थी, तो माइनस वन इज योर आंसर। चलें आगे। अब एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू फोर। ये फंक्शन किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन नहीं है माइनस थ्री है फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, थर्ड एक्स इज इक्वल टू थ्री, फोर्थ एक्स इज इक्वल टू फोर, किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये। जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट ये श्योरिटी नहीं है कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। हाँ जी बोलो। x ग्रेटर देन थ्री के लिए फंक्शन ये लेके चलोगे, x इज इक्वल टू थ्री पे चेक करना है तो फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस थ्री लेके चलोगे। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, मॉड की टर्म्स में गिवन है तो इसको इक्वल टू जीरो पुट करो, जो आपकी x की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपका, एट x इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये आप करोगे, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। आर एच डी निकाला था हमने, अब एल एच डी निकालना है, बताइए जल्दी से। सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी किया था। फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे जो गिवन है, वन माइनस एच वाला। अभिनव यहाँ आ जाओ, आगे मेरे पास आके बैठो इधर, या क्यों नहीं बैठा जाएगा, इधर आ जा, इस पीरियड के लिए यू हैव टू कम, वहां बातें कर रहे हो आप, इधर आ जाओ। ध्रुव कितना हो गया सम ये वाला, अब मुझे पहले तो बताओ फंक्शन क्या लोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये लोगे कि ये लोगे, नीचे वाला लोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है यानी कि स्लाइटली टू द लेफ्ट, तो x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4। अब इसको यहां पे पुट करो, यानी कि आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h निकालना। x को रिप्लेस करो 1 माइनस h से एंड सिंप्लीफाई एंड देन बताओ कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। बी क्विक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर।
हाँ जी क्षितिज, डन, बातें हो रही है, इट मींस हो गया। गुरसिमरन, ये कौन से स्टाइल है काम करने का? टेक दिस, सैनिटाइज कर ले इसको। अब सैनिटाइजर है, शुक्र है। अभिनव, हैव यू डन? अभिषेक, इज इट डन? बातें हो रही है तो इट मींस काम हो गया है। ले ले बेटा, उठ जा। हां जी, क्या आई वैल्यू? भव्या, डन? बी क्विक बेटा। तनवीर, कर जल्दी कर। अब हां जी, राधिका, डन? हां, एक्स की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। जैसे अभी मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव करवाया था। हाँ जी, नहीं, ऑप्शंस आर -3, -1, 3 एंड 2। -1 आ रहा है, यस, डन के तुक्का मारा है। क्या बात है! सो यू विल सिंप्लीफाई दिस योर सेल्फ, योर ऑप्शन विल बी -1। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, आप जस्ट कैलकुलेशंस ही करनी है आपको। देन द नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ एफ डैश -1 इज। एफ डैश -1, ऑप्शंस 3, 1, -2, -3। एफ डैश -1, एफ डैश -1 मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है? -1। तो फंक्शन कौन सा लेके चलोगे? ये वाला। अब निकालो इस पे एफ डैश -1। -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ एफ डैश 2, वैल्यू ऑफ, नहीं माइनस आएगा, चेक करो कैलकुलेशन, दिखा इधर। किसमें कह रहे हो? हाँ ठीक है, 1/4, ठीक है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ है। ध्रुव, व्हाट हैपेंड? कुछ गड़बड़ करी है, छोड़ना ही हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, -1 पुट कर रहे हैं एक्स को, तो माइनस इनटू माइनस प्लस नहीं हो जाएगा वो सेकंड वाली टर्म, तो प्लस लिखो यहाँ पे, कर फिर सिंपलीफाई करके बताओ क्या आंसर आए। -3, 4, 3 एंड एक सेकेंड, 3, 1, -2, -3 ऑप्शंस हैं आपकी। हाँ, -2 ही आ रहा है, उसका गलत आ रहा है।
आप दिखाओ कांखी। तनवीर ब्रिंग योर नोटबुक। वेरी गुड। हां जी एफ डैश ए एफ डैश टू और एफ डैश माइनस वन दोनों है। माइनस वन पे कितनी आई है? माइनस टू। और प्लस टू पे? इधर लेके आ मेरे पास नोट। ब्रिंग योर नोटबुक। ठीक है। डेरिवेटिव चलिए एफ डैश टू निकाल लोगे डेरिवेटिव लेके। एफ डैश टू के लिए फंक्शन क्या लेके चलोगे? ऊपर वाला। और क्या लोगे? माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स के एक्स माइनस थ्री, क्योंकि टू लेस देन थ्री है तो आंसर विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस ले लोगे, यानी कि फंक्शन आप ये लेके चलोगे। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज अ पावरफुल टेक्निक टू डिफरेंशिएट फंक्शंस ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल हुज वेयर बोथ यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड y is equal to f of x आपको गिवन है। आगे उन्होंने जो मेथड है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वो सारा बताया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपका डिफरेंशिएट x टू द x रेज टू पावर x। बहुत बार हो चुका है ये हमारा, अब तक तो आंसर भी लर्न हो जाना चाहिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। डेरिवेटिव पेपर में भी था, तीन चार बार मेरे ख्याल से मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ अब तक। ये डेरिवेटिव लेके आ रहे हैं, मुझे याद हो गया। वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो कैसे करने है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे? लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। पावर आगे आ जाएगी, दिस इज एक्स लॉग एक्स। अब इधर यू इंटू वी लगा दो, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन इंटू डेरिवेटिव वन इंटू लॉग एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन लॉग एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय एक्स। ये कैंसिल आउट होके दिस इज लॉग एक्स प्लस वन और यू कैन राइट डाउन वन प्लस लॉग एक्स ऑल्सो। और यहाँ पे जो वाई था वो उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स था तो y को रिप्लेस कर दिया x टू द पावर x से। सो दिस विल बी योर आंसर। सेकंड में उसने कहा डिफरेंशिएट x टू द पावर x प्लस a टू द पावर x प्लस x टू द पावर a। ये स्टेटमेंट लिख लो, कंप्लीट दिस एट योर होम। x टू द पावर x a टू द पावर x टू द पावर a प्लस a टू द पावर a। यहाँ वेरिएबल पार वेरिएबल वाला लग जाएगा कंसेप्ट। सक्षम मैं अभी बोल रही हूँ, लिसन टू मी। यहाँ एक्स टू द पावर एक्स वाला कंसेप्ट लग जाएगा। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ए टू द पावर एक्स लॉग ए। एक्स टू द पावर ए का डेरिवेटिव ए इज अ कांस्टेंट, तो पावर फॉर्मूला लगा दोगे कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज जीरो, तो इन तीनों का डेरिवेटिव लेना है। ये हमने अभी यहाँ निकाला है, डायरेक्ट ले लोगे। यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a प्लस इसका डेरिवेटिव a इनटू x टू द पावर a माइनस 1। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वी विल डू टुमारो। इन द एक्स्ट्रा क्लास वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। नाम नहीं है तब भी लगा सकते हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस।